यस, तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है मुझे पूछ सकते हो। यस सर। सो सर, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे पास लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं रिसेंटली अभी जॉब में ज्वाइन हुआ हूँ, तो मेरे पास बैकअप के लिए इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ वेंचर के साथ पार्टनरशिप करूँ। तो फिर मैं उनको एक्वायर कैसे करूँ और कन्विंस कैसे करूँ कि मेरे साथ काम करें। किसके साथ पार्टनरशिप करना आपको? मैन्युफैक्चरर्स और वेंचर्स कैपिटलिस्ट। चलिए, बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई है। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? अगर आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज है तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होता है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी, जेवी स्ट्रेटेजी। तो अभी डिटेल में बताता हूँ जेवी स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है तो इसमें बेसिक चीज क्या है कि उसको उसका कंपनी बनाना है, ICRCMG GST लेना है। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट उसको 50,000 से 1,00,000 का करना पड़ेगा। एंड फिर ऑर्डर के हिसाब से एडवांस पैसा आता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बट फिर भी बेसिक इन्वेस्टमेंट उसको 50,000 to 70,000 का करना पड़ता है। एंड और भी बैकअप चाहिए, और भी क्या होता है कि बैकअप थोड़ा चाहिए तो 2-5, 2-2 लाख रुपया, 1,00,000 रुपया हो तो, क्योंकि धंधा करना है, इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हैं। तो बेसिक मतलब समझो 1-5 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगेगा। 1,00,000 में भी कर सकते हो, बट फिर भी सर ने बताया वैसे कि सर मेरे पास इतना बजट नहीं है और अभी हिम्मत नहीं हो रही कि अकेला काम करूं, सब करूं, कुछ हो गया तो यहाँ पे आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हो। ये क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आपको एक सेगमेंट मतलब प्रोडक्ट का सेगमेंट कि आपको कौन से गारमेंट में काम करना है, आपको फूड में काम एक्सपोर्ट करना है काम करना है, आपको केमिकल मशीनरी में काम करना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से फील्ड में आपको काम करना है, कौन से सेगमेंट में प्रोडक्ट में। आप एक्चुअली सारी प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हो, बट मैं इनिशियली कभी रिकमेंड नहीं करता। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओ फिर आप अपने पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट बढ़ा सकते हो, कैटेगरी बढ़ा सकते हो। तो लेट से आपको गारमेंट फील्ड में एक्सपोर्ट करना है, इंटरसेक्शन मेरे को गारमेंट में, फ्यूचर में भी गारमेंट में जाना है, तो अभी आपको क्या करना है जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में, आपको सबसे पहले गारमेंट का जो भी मैन्युफैक्चर है, जींस पैंट का, टी शर्ट का, शर्ट का, गारमेंट फिर सारा करने का ऐसा नहीं, पर फिर भी जो बंदा कॉटन शर्ट का मैन्युफैक्चर है उसको आपको सर मिलना है कि हाई मैं जो है एक्सपोर्टर हूं बट मुझे जो है ज्वाइंट वेंचर में काम करना है, तो मैं आपके साथ मिलकर एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, इसमें कैसे डील करना है उसे बताना, अप्रोच कैसे करना है कि हम जॉइंट वेंचर में काम करेंगे, प्रोडक्ट और डॉक्यूमेंटेशन आपका रहेगा। यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, एक होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग मेरा रहेगा। देखो, मैन्युफैक्चर को क्या है, यहाँ पे बनाना दिक्कत नहीं उसके लिए, बेचना दिक्कत है। कोई भी प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चर को एक ही दिक्कत है कि माल बन गया तो बेचेंगे कैसे, तो बेच हम देंगे, तो हमें मार्केटिंग करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है। जैसे कि हम बात करें तो उससे बात करना है कि भाई हम लाइक आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करवा के देंगे, ऑर्डर ला के देंगे सेफ पेमेंट टर्म में। हम बोलेंगे उधारी में लाएंगे तो बोलेगा भाई धंधा ही नहीं करना है, सेफ पेमेंट टर्म में, जो मैंने आपको ट्रेनिंग में सिखाया है कि भाई कौन से पेमेंट टर्म है, लॉजिस्टिक का जो सब्जेक्ट है उसमें, बैंकिंग में आता है अपना, तो कौन सी पेमेंट टर्म सेफ है जिसमें LC वगैरह हो गया, एडवांस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं कि जिससे पैसा डूबने का कोई चांसेस ना रहे हमारे। प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि सब लोग हम बिजनेस क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, पैसा डुबाने के लिए नहीं। तो मैन्युफैक्चर भी एग्री तब होगा जब उसको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा, तो सेफ पेमेंटम में हम बात करेंगे पेमेंटम की, तो एग्री होगा। फिर क्या करना है उससे बात करना है। अब इसमें आपको प्रॉफिट का अराउंड 20-30-40% ले सकते हो, 30 ले लो अच्छी बात है, कि जो भी एक्सपोर्ट होगा उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 30% मेरा रहेगा और 70% आपका रहेगा, या 40-40 इवन 50-50 भी कर सकते हो, बट मैन्युफैक्चर जिसने में कन्विंस होता है। तो मेरा हिसाब से आप 40 से बात मुको, 35 या 30 पे कन्विंस हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, या 50-50 भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उसका काम चल रहा है तो थोड़ा आपको कम वो करेगा, बट उसका काम इतना नहीं चल रहा है लोकल में तो वो बोलेगा 50% ले लो आप, दिक्कत नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर से आपको बात करना है कि सर मैं आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करवा के दूंगा, तो कोई मैन्युफैक्चरर होगा ना करेगा, नहीं मेरे को नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हमें दूसरे मैन्युफैक्चरर से बात करना है। तो जनरली सेल्स के लिए कोई ना नहीं बोलता है, कोई फैक्ट्री को मैं 20 लीटर बोतल को बोलूं कि मैं 20 लीटर बोतल आपका बेच के दूंगा, बोला बेचिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन अवर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर
एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com फॉर मोर डिटेल। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। ज्वाइन नाउ।